समाजवादी पार्टी ने केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा पर पलटवार किया है और कहा है कि बेनी पर एसपी ने हमला तेज किया है और कहा है कि उनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाई दिया जाता। बेनी पर समाजवादी पार्टी ने हमला तेज किया है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बेनी प्रसाद घटिया आदमी है, वो मंत्रिमंडल में क्यों बने हुए हैं। आपको बता दें, बेनी प्रसाद वर्मा लगातार एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे समाजवादी पार्टी का पारा चढ़ता जा रहा है और अब पलटवार किया है समाजवादी पार्टी ने। रोज रोज झूठ बोलना, हर वक्त झूठ बोलना, इनकी घटिया मानसिकता है। ये लगातार इस तरह के राजनीति में, अब लोकतंत्र है तो घटिया लोग भी प्रवेश करते हैं और बहुत दूरी तक चले जाते हैं, देर तक रहते हैं। बाबरी मस्जिद के बारे में क्या ये बोलते हैं, ये आरएसएस से आए थे, आरएसएस की शाखा में थे। ये समाजवादी नेता रामसेवक यादव जी इन्हें संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में ले आए, श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में रहे और लगातार धोखा दिया। अब ये रोज रोज घटिया बात बोलते रहने से वो समझते हैं कि उनकी राजनीति चलती रहती, जनता सब जानती है, इतिहास के बारे में जानती है, जो कुछ भी घटित हुआ है बाबरी मस्जिद में कौन नहीं जानता है। मुख्यमंत्री थे श्री मुलायम सिंह यादव जी, अपनी सरकार को जोखिम में डाल करके श्री मुलायम सिंह यादव जी ने बाबरी मस्जिद को बचाया था, धर्म निरपेक्षता को बचाया था। क्या ये रोज रोज फालतू बात बोलते हैं, बहुत ही घटिया आदमी, कोई स्तर नहीं इसका, झूठ बोलता है, लोहे के धंधे में लगा हुआ है, जांच हो जाएगी तो पता चल जाएगा क्या कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, इस तरह घटिया लोगों को केंद्र मंत्री बनाकर। वो समझते हैं कि कोई सीट मिलेगी, कांग्रेस की पहले भी दुर्गति करा चुके हैं विधानसभा के चुनाव में ये।